हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंट्रोडक्शनरी लेक्चर फॉर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। देखिए, आपका 2020-21 बहुत ही ऑनलाइन गया, आपने पूरा कॉलेज का ईयर भी ऑनलाइन ही लिया। आपका पूरा कॉलेज, मतलब पूरी क्लास हो, कॉलेज हो, सब ऑनलाइन लेक्चर्स में गए, कोई कॉलेज में गया नहीं, ये सब हुआ आपके साथ। मुझे ये मालूम है कि ऑनलाइन लेक्चर लेना और ऑफलाइन लेक्चर लेना दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आमने सामने बैठ के पढ़ाए जाए तो बहुत मज़ा आता है, पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। और वैसे ही एक ये टॉपिक है अपना बुक कीपिंग। ओके, ये जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग, उसको आमने सामने अगर स्टूडेंट्स टीचर आमने सामने पढ़ाए, उसको बोर्ड पर प्रेजेंट करके पढ़ाए तो उसमें अलग ही मज़ा होता है। लेकिन क्या है बच्चों, देखो ये कोरोना क्राइसिस की वजह से हम लोग पीछे तो नहीं रह सकते ना, आगे तो जाना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करके हमें आगे जाना है। ऐसे नहीं होगा कि आने वाला 2022 जब आपका फेब्रुवरी में एक्चुअल एग्जाम का टाइम आपका आएगा तब क्या सिचुएशन होगी, ये हम लोग नहीं बता सकते। तो अपने पास अभी तो फिलहाल कुछ दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं, हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना है, कैसे भी करके हमें पढ़ना है। प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया है, क्योंकि बुक कीपिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो, बेस ऑफ बुक कीपिंग जो आपने पढ़ा 11th में पढ़ा वो ऑनलाइन पढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंसेप्ट ऐसी होगी जो मालूम ही नहीं होगी कि बुक कीपिंग बहुत अलग सब्जेक्ट है। और इट इज़ 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग कैसे है, बेस है 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग का। तो 12th स्टैंडर्ड में आपको अच्छे से बुक कीपिंग अगर आना जरूरी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप 11th के कंसेप्ट को पहले क्लियर करो। प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आपके लिए यूट्यूब पे बेसिक्स के लेक्चर इंट्रोड्यूस करेगा। जो भी आपके टॉपिक्स है 12th स्टैंडर्ड के, उसका एटलीस्ट बेसिक जब आपका क्लियर हो तो आप उसमें वो प्रॉब्लम में जो भी डिफिकल्टीज होती है वो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकोगे। लेकिन उसके लिए आपका बेसिक जो है वो बहुत बहुत क्लियर होना ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन हम लोग ने फाइंड आउट किया है। हम लोग हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शनरी लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। एटलीस्ट इंट्रोडक्शनरी लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, ताकि आपको भी वो समझने में आसानी हो। आगे चल के हम जब प्रैक्टिकली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं तब हम लोग एक एक टॉपिक के नियर अबाउट 30-40 सम्स लेते ही हैं। लेकिन वो 30 और 40 सम्स लेने के बाद स्टूडेंट्स की जो कमांड आती है ना टॉपिक के ऊपर, वो उस कब आती है, जब उनका बेसिक क्लियर हो। तो इसीलिए ये बेसिक लेक्चर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो आपका 11th में जो फाइनल अकाउंट आपका लास्ट टॉपिक था माय डियर स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड में आपका टेक्स्ट बुक ही स्टार्ट होगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से। आपका फर्स्ट टॉपिक जो आप देखोगे टेक्स्ट बुक में, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ही आपको आगे पढ़ना है 12th में। तो इसके लिए ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने फाइनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड के भी बहुत सारे लेक्चर्स मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किए थे, क्योंकि जब वो लास्ट ईयर में थे तभी कोरोना आया था, मार्च वगैरह में अपने यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, तो तभी मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए फाइनल अकाउंट के लेक्चर्स अपलोड किए हुए थे। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लेक्चर भी उनके लिए मैंने अपलोड किए हुए हैं। ये एक लेक्चर आपके लिए खास मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, जिसमें मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट विद द लेक्चर। देखिए, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होता क्या है। फाइनल अकाउंट पहले तो समझ लो बनाते क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। जनरली इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। जनरली बोले तो 6 मंथ्स के बाद भी बना सकते हैं, 3 मंथ्स के बाद भी बना सकते हैं। बनाते क्यों है फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड से मे बी 1 ईयर, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके बिजनेस में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, अगर लॉस भी हुआ तो आपको कितना लॉस हुआ, ये सब अगर आपको मालूम करना है तो पूरे साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको समराइज करने के लिए फाइनल अकाउंट बनता है। ऑल द ट्रांजेक्शन दैट टेकन प्लेस ड्यूरिंग द एंटायर ईयर आर समराइज्ड इन 1 हेड। ओके, एक हेड में उसको समराइज्ड किया जाता है और वो होता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम बेसिकली 2 अकाउंट बनाते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
पहला अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है मैं आपको अभी के लेक्चर में पूरा बताने वाली हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये सब कुछ अभी के लेक्चर में क्लियर होगा। 12th स्टैंडर्ड में क्योंकि ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, एक अकाउंट आपको और एक बनाना है जो आपने 11th में नहीं बनाया था, पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक अकाउंट है जो आपको बनाना है और उसके साथ में एक स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम है बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें मे भी आपका 11th पूरा ऑनलाइन गया है तो मे भी आपको, और एंड में तो गवर्नमेंट ने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया तो बच्चे लोग पढ़ेंगे क्यों, सवाल ही नहीं आता, एग्जाम नहीं है तो पढ़ना क्यों, ऐसे नहीं होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको बुक कीपिंग पढ़ना है तो आपको बेस से पढ़ना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें क्लियर करके अपने माइंड में फिक्स करके रखनी है ये सारी चीजें, क्योंकि ये आपको लास्ट तक काम में आने वाली है, डिग्री तक आपको ये सब लगने वाला है। ओके, सो देखिए यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि 12th में आप बनाने वाले हो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में एक स्टेटमेंट बनेगा जिसका नाम है बैलेंस शीट। अभी ये सब होता क्या है देखो, ये सब बनाने के पीछे आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है। ये सब हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको क्या देते हैं, ट्रायल बैलेंस देते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस इज अ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। देखो मैं पीछे गई, ऑल लेजर अकाउंट्स, लेजर क्या होते हैं, लेजर आर नथिंग बट द अकाउंट्स दैट वी ओपन एट द टाइम ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज। देखो मैं और पीछे गई, जर्नल एंट्री जिससे आपका 11 स्टार्ट हुआ है ना, 11 का बीके आपका स्टार्ट हुआ जर्नल एंट्रीज से, उसके भी लेक्चर्स हम लोग ने अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हो कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वो भी एक लेक्चर प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास ने अपलोड किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो ये सारी कंसेप्ट समझने में। गो थ्रू ऑल दैट लेक्चर, डू फाइंड सम टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स माय डियर स्टूडेंट, तभी आपको 12th में सब कुछ और आसान होगा, ठीक है। तो देखो पहले हमने बनाई जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में जो अकाउंट्स हम ओपन करते थे जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, तो एंट्री बनी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, दो अकाउंट ओपन हुए इसमें, एक परचेस और दूसरा एक्स, एक्स से गुड्स परचेस किए तो एक्स बन गया अपना क्रेडिटर, हमने उससे गुड्स परचेस किए थे तो एक्स बन गया अपना क्रेडिटर। तो क्या एक्स से ही गुड्स परचेस किए, नो, बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिससे हमने गुड्स परचेस किए, सो ऑल दैट कम्स अंडर क्रेडिटर्स। तो वो अपने कौन हो गए, जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए और जिनको पैसा देना बाकी है वो हो जाते हैं अपने क्रेडिटर्स। वैसे ही अगर हम गुड्स सेल करते हैं किसी को क्रेडिट पे, जैसे गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई ₹1,00,000 ऑन क्रेडिट, तो वाई से पैसा लेना भी तो है, तो वाई का अकाउंट एक ओपन होगा और वाई किस में जाएगा, कौन से हेडिंग में जाएगा, वाई डेटर्स, जिनसे पैसा आना होता है वो होते हैं अपने डेटर्स। तो ऐसे बहुत सारे डेटर्स पूरे साल में बनेंगे, Y बनेगा, Z बनेगा, W बनेगा, बहुत सारे बनेंगे, तो उनको एक साथ में कौन से अकाउंट के अंदर लिखा जाता है, डेटर्स। ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है बेसिक्स ऑफ 11th के जो भी बुककीपिंग के लेक्चर्स है, टर्मिनोलॉजीज, उसमें मैंने सारे ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं, प्लीज गो थ्रू ऑल दैट लेक्चर्स। ओके, तो अभी हम आते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के ऊपर। मैंने आपको क्या बताया, ट्रायल बैलेंस जो है वो बनता कैसे है, पहले बनती है जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पहले बनती है, जर्नल एंट्रीज से हम करते हैं लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्रीज से होता है लेजर पोस्टिंग, और ये लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, लेजर को क्लोज करके जो बैलेंसेस आते हैं वो जाते हैं ये ट्रायल बैलेंस में, वो जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इट्स अ लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, नथिंग एल्स। लेजर अकाउंट के जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे, कुछ का बैलेंस डेबिट आएगा, जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट क्लोज करने के बाद कितनी कैश आई, कितनी कैश गई, हम सब रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट में, उसका जो बैलेंस निकलेगा
वो यहाँ पे आएगा कैश बैलेंस। तो ये कैश अकाउंट क्या होता है, लेजर कैश का जो लेजर अकाउंट बनाया है हमने उसका ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट बनाते हैं हम लोग तो बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, दिमाग में फिट कर लो, ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स की लिस्ट, ऐसे लेजर अकाउंट्स जिनका क्लोजिंग बैलेंस समटाइम डेबिट आता है समटाइम क्रेडिट आता है। कुछ लेजर अकाउंट ऐसे होते हैं जिनका बैलेंस हमेशा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट ही आएगा, तो वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आएंगे। ये जो सारे बैलेंसेस लिखे हैं मैंने, दीज आर ऑल क्रेडिट अमाउंट्स, ये सारे क्रेडिट अमाउंट है। ट्रायल बैलेंस में भी दो पार्ट होते हैं, एक में हम डेबिट अमाउंट्स लिखेंगे, दूसरे में हम क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। ये है डेबिट अमाउंट, ये ट्रायल बैलेंस के सारे जो बैलेंसेस लिखे हैं डेबिट साइड में, ऑल दीज आर हैविंग डेबिट बैलेंसेस, और ये जो है ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर से एक बार, पहले आपने पढ़ा जर्नल, जर्नल से आपने बनाए लेजर, लेजर को क्लोज करके जो बैलेंसेस आते हैं उससे बनता है ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट्स के दो बैलेंसेस निकल सकते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट आया तो हम डेबिट के नीचे लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस के दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट लिखने का और एक क्रेडिट लिखने का। तो अगर डेबिट बैलेंस आया तो हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस आया तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अभी देखो इसमें होता क्या है, ये ट्रायल बैलेंस आपको देंगे, उसके साथ में एडजस्टमेंट्स भी देंगे। एडजस्टमेंट्स हम बाद में देखेंगे, पहले सिंपल फाइनल अकाउंट देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, जो आपको 11th में भी था, लेकिन 11th में आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था। यहाँ पे हम आपको दिखाने पढ़ाने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, लेकिन बेस सेम है, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस लिख के दिया। इस तरीके से थोड़ा बनता है ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस को हमें डिवाइड करके इस सब, ये जो मैंने तीन अकाउंट बनाए हैं और बैलेंस शीट बनाई है, उसमें हमें उसके बैलेंसेस डिवाइड करके डालते हैं। गेटिंग मी ऑर नॉट? देखो ट्रायल बैलेंस के ये जो सारे अकाउंट्स के बैलेंस है उसको हमें क्या करना है, ट्रेडिंग में थोड़े पीएनएल में जाएंगे, थोड़े कैपिटल में जाएंगे, थोड़े बैलेंस शीट में जाएंगे। तो कैसे भी नहीं लिखने होते, देयर इज वन लॉजिक, उसका भी एक लॉजिक होता है कि कौन से अकाउंट को किधर लिखना है, उसका भी एक लॉजिक होता है। तो आज मैं वही अभी आपको बताने वाली हूँ। तो देखो कितने यहाँ पे मैं अकाउंट बना रही हूँ, एक मैं बना रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा मैं बना रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बना रही हूँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो नाम से पता चल रहा होगा कि पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल ही आएगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, बैलेंस शीट, ओके बैलेंस शीट ये हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखो पोस्टिंग कैसे करते हैं, पहले समझ लो, एक सिंपल सा फंडा समझ लो, इसको आप समझोगे तो आपका फाइनल अकाउंट कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। इसको समझ लो, ये जो डेबिट के बैलेंसेस होते हैं ट्रायल बैलेंस के, डेबिट साइड में जो अमाउंट्स होती है उसे हमें कहाँ पे लिखना है। ट्रायल बैलेंस डेबिट अमाउंट्स आर आइदर पोस्टेड ऑन द, ये डेबिट साइड है, either posted on the debit side of trading account or on the debit side of profit and loss account, or ये partners capital account में फिलहाल मिटा देती हूँ क्योंकि ये इतना इसमें नहीं अफेक्ट करेगा, और balance sheet asset side। देखो कैसे आया, trial balance के debit के elements they are posted either on debit trading account debit or profit and loss account debit और बैलेंस शीट, ये होती है बैलेंस शीट की एसेट साइड, और ये होती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, दो साइड होते हैं। तो एसेट्स का बैलेंस हमेशा ध्यान में रखो, एसेट्स का बैलेंस हमेशा ध्यान में रखो, वो होता है डेबिट, और लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो एक बात ध्यान में रखो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट के एलिमेंट्स डेबिट में ही जाएंगे, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे, या फिर बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे। दिस इज द सिंपल फंडा, गेटिंग मी ऑर नॉट? देन क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंसेस अपीयर्स ऑन द क्रेडिट पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, आइदर दे पोस्टेड ऑन ट्रेडिंग क्रेडिट
और पीएनएल क्रेडिट और लायबिलिटीज। देखो एक फॉर्मेट तैयार हो गया अपना, इस तरीके से पोस्टिंग करोगे तो कभी रॉन्ग नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के एलिमेंट्स या तो ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में जाएंगे, या फिर लायबिलिटी साइड में जाएंगे। लायबिलिटीज के बैलेंस भी, सारे लायबिलिटीज, कुछ भी लायबिलिटी हो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखो। तो क्रेडिट के बैलेंस कहाँ पे जाएंगे ये तीन अकाउंट में, किसी भी क्रेडिट साइड में जाएंगे। गलती से भी क्रेडिट का एलिमेंट डेबिट डेबिट एसेट में बिल्कुल नहीं डालना है, डालोगे तो 101% आपका फाइनल अकाउंट कभी भी टैली नहीं होगा, देयर विल बी ह्यूज मिस्टेक, नहीं होगा टैली। तो ये बात आप पूरी ध्यान में रखो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट के एलिमेंट या तो ट्रेडिंग डेबिट में जाते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के एलिमेंट्स या तो ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएंगे, या पीएनएल क्रेडिट में जाएंगे, या फिर लायबिलिटी साइड में जाएंगे। ये एक सिंपल फंडा है। इतना क्लियर होने के बाद ठीक है भाई, यहाँ के एलिमेंट है या तो ट्रेडिंग डेबिट में डालना है, या तो पीएनएल में, या तो बैलेंस शीट एसेट में, ये तो मैम ने बता दिया। लेकिन कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेडिंग के डेबिट में डालेंगे या पीएनएल के डेबिट में डालेंगे, उसका भी एक लॉजिक होता है। तो अभी पढ़ेंगे वो कैसे जाते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में डालेंगे या पीएनएल के डेबिट में डालेंगे। पहले तो ध्यान में रखो, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ आर नॉमिनल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये फंडा है उसका, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में अगर आप नजर डालोगे तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे जो एक्सपेंसेस इंडिकेट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलरली बनता क्यों है, उसका नाम ही है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि मेन बिजनेस एक्टिविटीज के जो भी खर्चे रहेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डालेंगे। जैसे कोई अगर एक दुकानदार है, यहाँ पे हम लोग ने ए एंड बी दो पार्टनर्स लिए हैं। अगर सपोज ए एंड बी ने एक दुकान खोल के रखी है स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी परचेज करना होलसेलर से और रिटेल में बेचना, ये उनका बिजनेस है, गेटिंग मी ऑन। तो उनका मेन बिजनेस क्या है, टू परचेज स्टेशनरी एट होलसेल रेट एंड टू सेल इट टू फाइनल कंज्यूमर एट रिटेल रेट, एंड देयर बाय दे आर गेटिंग प्रॉफिट। तो उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। कोई भी दुकान सामने लाओ, अगर आप डीमार्ट का एग्जांपल लोगे तो डीमार्ट में भी इतने सारे गुड्स हमें दिखते हैं डीमार्ट में। आप डीमार्ट में कभी विजिट करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स वहाँ पे आपको, कपड़े भी दिखाई देंगे, देन स्टेशनरी तो होती ही है, ग्रोसरी होती है, क्रॉकरी होती है, क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। तो क्या हर एक चीज वो बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। वो परचेस करते हैं एट होलसेल रेट एंड दे आर सेलिंग इट टू अस एट रिटेल रेट, और रिटेल प्राइस पे हमें बेचते हैं। तो वो उनका मेन बिजनेस है। तो वो उनका मेन बिजनेस है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज देयर मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वो सारे खर्चे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो सारे खर्चे कहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपको ये बात बताता है कि आपके पास स्टॉक कितना था, आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक कितना बचा, आपने कितने के गुड्स, गुड्स जिसमें आप डील करते हो, आपने कितने अमाउंट के गुड्स बेचे जिसको हम सेल बोलते हैं, आपने कितने अमाउंट के गुड्स परचेस किए। जैसे ए एंड बी का अगर स्टेशनरी शॉप है तो वो स्टेशनरी के अलग अलग एलिमेंट, जैसे ये मेरे हाथ में ये अभी मार्कर है, ये बंदा है, मुझे अगर ये मार्कर 25 रुपीज में अवेलेबल है तो उसको मे भी ये 20 रुपीज में आता होगा। तो ये परचेस ऑफ मार्कर, परचेस ऑफ डस्टर, परचेस ऑफ इंक पेन, वॉट एवर टाइप ऑफ स्टेशनरी, ही इज परचेसिंग एट होलसेल रेट। तो वो उसका मेन बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है। तो वॉट आई वॉन्ट टू से, जो एक्टिविटी मेन बिजनेस से रिलेटेड होती है उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट होते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। वो कहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। सो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड जिस चीज में आप डील करते हो, जो चीज को आप परचेस करते हो, उसको आप बेचते हो, वो आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। तो उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट रहेगा वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। गेटिंग मी ऑर नॉट, ओके। तो अभी डीमार्ट का एग्जाम्पल हम लोग ने लिया, तो डीमार्ट बहुत सारी गुड्स होलसेल रेट पे परचेस करता है और हमें रिटेल रेट पे बेचता है।
लेकिन आपने देखा, आपने बहुत सारे लोगों ने डीमार्ट को विजिट भी किया रहेगा, डीमार्ट में बहुत सारे लोग अपॉइंट किए हुए हैं, कुछ लोग कैश काउंटर पे होते हैं, कुछ लोग इधर उधर वो सब सामान रखने में बिजी होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बाकी का काम करते रहते हैं, है कि नहीं। पीछे अगर आप डीमार्ट के बाहर आओगे तो वो पॉपकॉर्न काउंटर वाला आपको दिखाई देता है, आइसक्रीम मेकर जो है वो बनाने वाला दिखाई देता है, तो बहुत सारे बाकी का स्टाफ भी तो है, तो डीमार्ट उनके ऊपर सैलरी का खर्चा करती है कि नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे बड़े बड़े बिजनेस को, बड़ी बड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को चलाने के लिए आपको बैकग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेशन भी तो लगता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं, अगर डीमार्ट वाले ने किधर से लोन लेके वो बड़ा प्रीमाइसेस परचेस किया रहेगा, सो देयर आर इन द बैकग्राउंड सम फाइनेंशियल एक्टिविटीज आल्सो। अगर उसने लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट भी तो वो पे कर रहा है, तो वो सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे, जो डायरेक्टली परचेस ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए वो सारे खर्चे भी बैकग्राउंड में हो रहे हैं, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं, जिसको हम सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, किसी से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट भी वो दे रहा है, तो इतने सारे खर्चे बैकग्राउंड में होते हैं, इतना स्टाफ अपॉइंट किया है, ऑफिस स्टाफ है तो उनको सैलरी देना है, मार्केटिंग का खर्चा होता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर खर्चा होता है जो डायरेक्टली गुड्स परचेस, गुड्स सेल्स उससे रिलेटेड नहीं होता है, गुड्स से रिलेटेड नहीं होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी को चलाने के लिए बाकी का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो सारे खर्चे कहाँ पे जाते हैं, दैट आर ऑल आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन शॉर्ट उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड टू मेन ट्रेडिंग बिजनेस, रिलेटेड टू मेन ट्रेडिंग बिजनेस, जो भी उसका ट्रेडिंग बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा, जैसे सपोज बिस्किट बनाने वाली कंपनी है ब्रिटानिया, ले लेते हैं एग्जाम्पल ब्रिटानिया का, तो ब्रिटानिया बिस्किट बनाती है तो वो मैदा परचेस करती होंगी, मैदा उनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, तो वो रॉ मटेरियल परचेस किया, इट इज रिलेटेड विद देयर मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी, उससे ही उनका प्रोडक्ट बनता है, इतने सारे वैरायटी ऑफ बिस्किट्स बनते हैं, शुगर और भी जो सारे इसेंस वो जो डालते होंगे बिस्किट्स, अलग अलग बिस्किट्स बनाने में जो भी मटेरियल उनको लगता है, वो सारा उनका परचेस ऑफ रॉ मटेरियल रिलेटेड टू देयर डायरेक्ट बिजनेस, क्योंकि अगर वो रॉ मटेरियल परचेस नहीं करेंगे तो बिस्किट कहाँ से सेल करेंगे, गेटिंग मी ऑर नॉट। तो जिसकी जैसी एक्टिविटी है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कौन सी है वो जानो, और ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे उसे हमें कहाँ पे पोस्ट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करना है, क्लियर अप टू दिस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पोस्ट करना है, देखो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया डायरेक्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटानिया का आपने एग्जाम्पल लिया, तो वो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, उससे गुड्स बना के बिस्किट्स बेच रहे हैं, तो बिस्किट्स उनका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, वो कर रहे हैं। मैंने डीमार्ट का एग्जाम्पल बताया, अलग अलग टाइप्स के गुड्स वो परचेस करते हैं होलसेल रेट पे और सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, हमको एट रिटेल रेट, तो वो उनका ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गया। लेकिन ये सब बिजनेस चलाने के लिए बैकग्राउंड में जो खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं एंड मेनी मोर, तो वो जो डायरेक्टली ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली दे आर नॉट रिलेटेड विद द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर ऑल दैट थिंग्स, बट दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एवरी ईयर, ओके। तो ये सारे खर्चे हम कहाँ पे लिखेंगे, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, गेटिंग मी अप टू दिस, ओके। तो यहाँ पे आपको ये ट्रायल बैलेंस के जो एलिमेंट है मैंने आपको बताया, या तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। तो एक बात तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई कि ट्रेडिंग के डेबिट में कौन सा खर्चा लिखेंगे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा खर्चा लिखेंगे, इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो वो सारे अगर खर्चे हमें यहाँ पे मिलेंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, तब हम उनको लिखेंगे ट्रेडिंग डेबिट या फिर पी एंड एल डेबिट। तो बाकी बचा क्या, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में क्या बताया है,
यहाँ के जो एलिमेंट होते हैं डेबिट साइड के, ये जाते हैं ट्रेडिंग डेबिट में या फिर पीएनएल डेबिट में या फिर एसेट में। तो एसेट्स क्या होती है? एसेट भी तो खर्चा ही है। आपने फर्नीचर परचेस किया, आपने मशीनरी परचेस की, तो हम लोग खर्चा ही तो करते हैं, एक्सपेंडिचर ही है, तो वो भी तो एक्सपेंडिचर है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। समझ में आया होगा आपको, रिकरिंग का मतलब है जो बार बार होते हैं, नॉन रिकरिंग का मतलब है जो बार बार नहीं होते। सो जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे आपने मशीनरी परचेस किया, तो बंदा थोड़ी ना हर साल मशीनरी परचेस करेगा। एक बार परचेस किया, ही इज गोइंग टू यूज इट फॉर मेनी इयर्स, बहुत साल आगे तक यूज करेगा। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होते हैं, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ऑल दीज कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर आर टू बी कंसिडर एज एसेट्स। तो वो हो जाती है आपकी एसेट। आपने लैंड परचेस किया, आपने शॉप परचेस किया, तो आपकी एसेट बन जाएगी। एसेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, माय डियर स्टूडेंट। आप उसको बार बार हर साल नहीं परचेस करने वाले, एक बार किया सालों तक यूज करोगे, तो वो बन जाएगी आपकी एसेट। तो ट्रायल बैलेंस में कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जो होगी आपकी एसेट। ओके, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिससे बनेगी आपकी एसेट। तो वो सारे खर्चे जो यहाँ पे है, उन्हें हम कहाँ लिखेंगे? एसेट में लिखेंगे। और ट्रेडिंग और पीएनएल में कौन से खर्चे आएंगे? जो रिकरिंग नेचर के हैं, जो बार बार हो रहे हैं, बार बार आगे भी होने वाले हैं। और एसेट में कौन से खर्चे जाएंगे? जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो ट्रेडिंग और पीएनएल में जाते हैं, वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो अभी हम लोग वही देखेंगे ट्रायल बैलेंस का डेबिट का एलिमेंट कैसे कहाँ पे, या ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, या पीएनएल में जाएगा, या बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट विद द पोस्टिंग। देखते हैं अभी इसको, ट्रायल बैलेंस के डेबिट के एलिमेंट को हम कैसे पोस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एक बार फिर से, ट्रायल बैलेंस के डेबिट के जो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग डेबिट में जाएंगे, आइदर दे आर पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट एसेट साइड और एसेट साइड डेबिट बैलेंस। तो एक बात तो पक्की है कि ये एलिमेंट कभी भी किसी भी क्रेडिट में नहीं जाएंगे। लाइबिलिटी का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, ये बात जान लो, ये बात समझ लो, दिमाग में फिट कर दो। लाइबिलिटीज का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट के एलिमेंट या तो ट्रेडिंग डेबिट या पीएनएल डेबिट या फिर बैलेंस शीट एसेट। ट्रेडिंग डेबिट में कब जाएंगे? अगर वो रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो वो जाएंगे ट्रेडिंग डेबिट में। अगर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, इनडायरेक्ट है, रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू एग्जैक्टली ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑफिस में होने वाले खर्चे है, तो वो सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, लोन लिया तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट जो ऑफिस में होते हैं, डायरेक्टली फैक्ट्री या जहाँ पे आपका डायरेक्ट बिजनेस एक्टिविटी होता है उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो जाएंगे पीएनएल में। लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग स्टॉक क्या है आपकी दुकान में? स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना स्टॉक है, स्टॉक उसमें आपने और कितना परचेस किया, बाद में कितना सेल किया, ये रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटी है। क्योंकि आपका ट्रेडिंग मेन बिजनेस में आपका स्टॉक कितना है, ओपनिंग में आपके पास गुड्स हाथ में कितने थे, आपने पूरे साल में कितने परचेस किए, कितने बेचे, ये सब रिजल्ट आपको यहाँ पे शो करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पहला एलिमेंट है ओपनिंग स्टॉक, मतलब आपके हाथ में गुड्स का स्टॉक कितना था। तो ट्रेडिंग के एलिमेंट जो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, पीएनएल डेबिट में जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ओपनिंग स्टॉक जाएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद ट्रेडिंग एक्टिविटी, दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट एलिमेंट टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओके, देयर आफ्टर सी नेक्स्ट एलिमेंट, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। ये तो बैंक बैलेंस कैश बैलेंस क्या है कोई भी बता सकता है, ये तो आपकी एसेट है।
ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, मेरे हाथ में 5 लाख रुपया है तो मेरी एसेट है भाई, मेरा मेरी प्रॉपर्टी है, सो दैट इज नॉट माई एक्सपेंडिचर, वो आपका खर्चा है क्या? बैंक बैलेंस आपका खर्चा है? नहीं। कैश बैलेंस आपके हाथ में जो कैश है वो आपका खर्चा है? नहीं, वो आपकी एसेट है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, बराबर ना? तो उसको हम पोस्ट करेंगे एसेट में, ओके? तो बैंक बैलेंस कैश बैलेंस एसेट में जाएगा। बैंक बैलेंस कितना है देखो, 10,000। कैश बैलेंस कितना है देखो, 5,000। उसको हम पोस्ट करेंगे एसेट में बिकॉज दे आर अवर एसेट। देयर आफ्टर परचेसेस, तो ये परचेसेस गुड्स परचेस को बोलते हैं परचेसेस। गुड्स क्या है? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एक्टिविटी है। गुड्स परचेस करना और गुड्स बेचना वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है। सो परचेसेस हमेशा कहाँ पे जाते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, भूल के भी क्रेडिट साइड में देखो भी मत, डेबिट साइड को या तो ट्रेडिंग डेबिट या पीएनएल डेबिट या एसेट में ही डालेंगे। तो सोचना है भाई कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। तो आपने गुड्स परचेस किए हैं तो इसको यहाँ पे लिखो टू परचेसेस बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये परचेस अकाउंट वहाँ पे जाएगा जिसका बैलेंस है 1 लाख, ओके। देयर आफ्टर कम टू वेजेस। वेजेस माय डियर स्टूडेंट, आप अपने टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट ओपन करके देखो, वेजेस आर ऑलवेज कंसीडर एज अ ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, वो ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर ही कंसीडर होता है। सैलरी अगर नाम से आया ना तो फिर वो जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का करके पी एंड एल के डेबिट में। लेकिन वेजेस ये ऐसे समझा जाता है कि वेजेस किसको देते हैं? वर्कर्स को। वर्कर्स काम कहाँ पे करते हैं? फैक्ट्री में। तो मेन जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो फैक्ट्री में होती है, जहाँ पे आपके गुड्स के ऊपर प्रोसेस होता है, तो वो एक्टिविटी वहाँ पे होती है। तो वर्कर्स को वेजेस पे किए जाते हैं। वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एक्चुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी, सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, एंड बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर इट शुड बी नोटेड हियर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। कितने है देखो वेजेस, 20,000। ये मैंने वेजेस लिख दिए। देयर आफ्टर कमीशन, कमीशन 6,000। तो ये कमीशन किसको दिया जाएगा? मे भी कोई बिजनेस बढ़ाता है, जैसे सेल्समैन होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको कमीशन देती है। तो ये दिस इज रिलेटेड विद नॉट योर बिजनेस, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। दिस इज कंसिडर एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। जो ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो सारे खर्चे कहाँ पे जाते हैं? पी एंड एल के डेबिट में जाते हैं। खर्चे ही है, हमें खर्चों को ही लिखना है, या तो ट्रेडिंग में लिखेंगे या पी एंड एल में लिखेंगे। लेकिन कौन से बेसिस पे लिखेंगे? इफ इट इज रिलेटेड डायरेक्टली विथ योर प्रोडक्शन, डायरेक्टली विथ योर ट्रेडिंग एक्टिविटी, देन इट शुड बी नोटेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एंड इफ इट इज नॉट, देन इट इज कंसिडर एज इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इट शुड बी नोटेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के मैं लिखूंगी टू कमीशन। आप बोलोगे मैडम आपने लाइन क्यों छोड़ा, आपने ऊपर लाइन क्यों छोड़ा? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे लिखना होता है। मे भी यहाँ पे आएगा, मे भी यहाँ पे आएगा, किधर भी आए, हम क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ के रखेंगे। रिजल्ट में भी लॉस में आ सकता है या प्रॉफिट में आ सकता है, वो आगे की बात है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहले तो कमीशन, बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इट शुड बी नोटेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल। क्लियर अप टू दिस? देयर आफ्टर नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। स्टेशनरी कहाँ पे लगती है? ऑफिस में। तो ऑफिस में जो खर्चे होते हैं वो सब जाते हैं पी एंड एल के डेबिट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेशनरी पी एंड एल डेबिट साइड, टू स्टेशनरी पी एंड एल डेबिट साइड। अमाउंट कितना है उसका? 5,000। देयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इन्वेस्टमेंट इज इट योर एक्सपेंडिचर? यस इट इज योर एक्सपेंडिचर, बट आर यू गोइंग टू मेक इट अगेन एंड अगेन एवरी मंथ? नो। इन्वेस्टमेंट आपने परचेस किया तो वो बन जाएगी आपकी एसेट। आपने एक बार उसको परचेस किया, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे ताकि आप उसमें से कुछ ना कुछ गेन कमा सको, कुछ ना कुछ पैसा उसके ऊपर आपका बने। इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट परचेस करते हो और उस इन्वेस्टमेंट को आप एसेट करके रखते हो।
सो इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट. तो देखो यहाँ पे ये हो गई आपकी एसेट, कैश बैलेंस हो गई आपकी एसेट, परचेसेस गए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वेजेस गए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कमीशन गया पी एंड एल के डेबिट साइड में, स्टेशनरी पी एंड एल डेबिट, यस, इन्वेस्टमेंट गई एसेट. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को लिख रही हूँ मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट. क्या अमाउंट है उसकी? 20,000. ओके, देयर आफ्टर मशीनरी, देखो मशीनरी कितना है, 50,000. अगेन मशीनरी आपने परचेस किया है, इसीलिए तो यहाँ पे आया है आपका मशीनरी. सो मशीनरी इज योर एसेट, आपकी प्रॉपर्टी है. तो बट ऑब्वियस कहाँ पे जाएगा, एसेट में. खर्चा नहीं है वो आपका, आपने खर्चा करके एसेट बनाई है उससे. इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार ये खर्चे नहीं होते. मशीनरी एसेट में गया. लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो योर एसेट. ओके, तो जो एसेट आप सालों तक यूज करोगे, बार बार उसको यूज करते रहोगे, वो सारी आपकी एसेट्स होती है. तो जो एलिमेंट डेबिट साइड में है ट्रायल बैलेंस के, लेकिन आपकी एसेट है, उन्हें हमें एसेट में, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में ही लिखना है. तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लिखेंगे एसेट साइड में. Getting me or not? Now last element, salary. Salary, of course, your expenditure, recurring in nature, बार बार होने वाला है, लेकिन direct है, indirect है, indirect है. Direct होता तो वो wages कहलाता. Salary जब आएगा particularly, my dear student, तो salary जाएगा P&L के debit में. Okay? तो salary P&L के debit में. ये गया P&L debit. यहाँ पे मैं लिखूँगी to salary. What is the amount? 10,000. Yeah. Okay. तो देखो ये फॉर्मेट के हिसाब से कहाँ पे गया है. मैंने आपको बताया था, या तो ट्रेडिंग डेबिट में, या पीएनएल डेबिट में, या बैलेंस शीट एसेट में. तो देखो आप लोग, ये सारे जो एलिमेंट है ट्रेडिंग डेबिट में कुछ गए, इफ दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे ट्रेडिंग डेबिट में गए. ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे पी एंड एल में गए, और जो एसेट्स बनती थी आपकी वो सारी मैंने लिख दी एसेट्स में. तो या तो यहाँ पे सारे एलिमेंट आप काउंट करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. और यहाँ पे भी आप देखोगे अगर कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो पूरे 11 एलिमेंट्स को हम लोग ने डिवाइड करके ट्रेडिंग डेबिट में, या पीएनएल डेबिट में, या बैलेंस शीट एसेट में डाल दिया. क्लियर अप टू दिस? नाउ कम टू क्रेडिट पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस. सेल्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग. अभी क्रेडिट पार्ट बेसिकली क्या बताता है? क्रेडिट पार्ट बताता है आपका इनकम, इनकम कितना होगा और आपकी लाइबिलिटीज कितनी होगी. वो सब आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखाई देगी. इनकम दैट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम. दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. आपको अभी तक समझ में आया होगा. अभी मैम ने बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर ट्रेडिंग डेबिट में जाता है तो डायरेक्ट इनकम भी ट्रेडिंग क्रेडिट में ही जाएगा, दैट इज लॉजिक. इनडायरेक्ट इनकम अगर रहेगा तो, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल के डेबिट में जाते हैं, तो इनडायरेक्ट इनकम अगर रहेगा तो पी एंड एल के क्रेडिट में ही जाएगा. ये अभी लॉजिक आपके समझ में आया होगा. और अगर लाइबिलिटीज रहेंगी तो वो जाएगी पर्टिकुलरली लाइबिलिटीज में. लेट्स सी. तो देखो यहाँ पे क्या क्या है. सेल्स, सेल्स क्या होता है? इट्स अ डायरेक्ट इनकम. आप बिजनेस को, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया ए एंड बी का स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी होलसेलर से लेना और रिटेलर को बेचना, तो वो सेल जो है उनका, लेते हैं गुड्स 1 लाख के और बेचते वक्त उसको प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं 1.5 लाख में, तो वो जो सेल है 1,50,000 का, दैट इज देयर डायरेक्ट बिजनेस एक्टिविटी. यस, सो दैट शुड बी नोटेड ऑन द क्रेडिट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, which is particularly prepared for recording all direct expenses and direct income. तो यहाँ पे आएगा सेल. तो बाय सेल्स देखो तो अमाउंट कितनी है, 2 lakhs. Thereafter, see the next element, interest on investment. तो interest on investment, is it related with trading activity? No.
ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं, नहीं ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता तो हम वहाँ पे ट्रेडिंग में लिखते। ये इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे ए एंड बी ने बिजनेस कमाया और दोनों को लगा कि नहीं भाई चल कुछ सेविंग करते हैं, तो उन्होंने थोड़ा पैसा किसी बॉन्ड्स में रख दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख दिया कि अपने बिजनेस का सेविंग बना रहेगा। तो वो उनका मेन बिजनेस तो वो है नहीं, उन्होंने सेविंग किया था इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट परचेस करके। तो बट ऑफ इयर्स अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिख रही है तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी तो मिलता होगा। तो ये साइड में उन्होंने एक इनकम बनाने का, इनकम का सोर्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज नॉट रिलेटेड विद देयर डायरेक्ट बिजनेस एक्टिविटी, एंड बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट इनकम इट शुड बी नोटेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल। तो देखो ये भी आएगा क्रेडिट साइड में, एक लाइन में ऊपर की छोड़ूंगी क्योंकि इसका रिजल्ट में भी प्रॉफिट आ सकता है या लॉस आ सकता है इसके लिए। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है कितना 2000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2000। क्लियर। देयर आफ्टर क्रेडिटर्स, कौन होते हैं क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हम गुड्स परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेस किए हैं उन्हें पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है तो वो बन जाती है अपनी लायबिलिटी। अगर पैसा आना है डेटर्स से जिन्हें हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, तो डेटर्स से पैसा आना होता है तो डेटर्स आर द पार्ट ऑफ एसेट, वेयर एज क्रेडिटर्स आर द पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। ओके, ये बात दिमाग में फिट करके रखो। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी, जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए हैं और जिन्हें हमें पैसा देना है। लायबिलिटी का मतलब होता है हमारा, हमारे डेब्ट्स, जिनको पैसा देना है वो सारी लायबिलिटीज में आते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी, तो मैं यहाँ पे एल लिखती हूँ, यहाँ पे मैं पी लिखती हूँ, पी एन एल में गया, यहाँ पे मैं टी लिखती हूँ, वो ट्रेडिंग में गया। ठीक है, तो ये क्रेडिटर्स आर द पार्ट ऑफ लायबिलिटी, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्रेडिटर्स 20,000। आप बोलोगे मैम आप ये जगह क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि लिखने का एक तरीका होता है, स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, एंड में क्या आना चाहिए। जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको वो फॉर्मेट भी समझ में आएगा। ओके, स्टार्टिंग में कैपिटल आना चाहिए, तो वो लिखने के लिए मैंने वो जगह छोड़ के रखी है। ओके, यहाँ पे भी फिक्स्ड एसेट लिखना है तो फिक्स्ड एसेट टॉप में लिखी जाती है, और जैसे जैसे एसेट्स फिक्टिशियस होती जाती है या फिर उसको क्या बोलते हैं करंट एसेट्स होती है, तो करंट एसेट्स को नीचे लिखते हैं। वो बात की बात है, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे हम लोग 12th में वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल आपको क्या देखना है, क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी, तो मैंने उसको कहाँ पे लिख दिया, लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग रेंट, मैंने अभी आपको बताया था अगर पैसा देना है तो वो होती है आपकी लायबिलिटी। ओके, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है देखो 10,000, तो ये भी बन गई आपकी लायबिलिटी, तो उसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, इसको भी मैंने लिख दिया लाइबिलिटी में। ओके, अभी देखो पार्टनर्स कैपिटल, 11 तक हमें पार्टनर्स नहीं थे, हमें एक सोल ट्रेडर का कैपिटल दिया जाता था, क्योंकि अभी हमें 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो देंगे पर्टिकुलर। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में है, क्रेडिट बैलेंस है, उसका बैलेंस क्या है क्रेडिट। तो ये जो पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट हम लोग ने बनाया है उसके क्रेडिट साइड में, क्योंकि उनका बैलेंस क्रेडिट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, कभी कभी किसी पार्टनर का डेबिट भी हो सकता है लेकिन उन्होंने क्रेडिट दिया है ये प्रॉब्लम में, तो पार्टनर्स कैपिटल आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड में उनका बैलेंस लिख दूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 32,000, जब इसको क्लोज करेंगे तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। क्लियर, तो देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 एलिमेंट्स हमने कहाँ पे डालने थे, ट्रेडिंग क्रेडिट, आइदर ट्रेडिंग क्रेडिट और पी एन एल क्रेडिट। ओके, और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट जो मैंने नहीं बताया यहाँ पे, या फिर लायबिलिटी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होके लायबिलिटी में ही आएगा, ये बात है, इसलिए मैंने इधर नहीं बताया। तो देखो किधर गए, ट्रेडिंग क्रेडिट में गया 1, 2, 3, 4 और ये 5 और 6 एलिमेंट्स, तो 6 एलिमेंट ही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 एलिमेंट्स आर पोस्टेड ऑन द क्रेडिट पार्ट।
आइदर ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट या फिर पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट या फिर लायबिलिटी। ये पार्टनर्स कैपिटल का जो क्रेडिट है ये क्लोज करके लायबिलिटी में ही आएगा, तो ये लायबिलिटी का ही पार्ट है। ये बाद में आपको समझ में आएगा कि मैंने इधर क्यों नहीं बताया, उधर क्यों बताया, तो वो सॉल्यूशन है इसीलिए मैंने उधर बताया। ठीक है, नाउ लेट्स क्लोज। अभी इसको क्लोज करके देखते हैं। क्लोज करते वक्त भी ध्यान में रखो जो साइड बाय अमाउंट बाय टोटल ज्यादा है उसको पहले क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे देखो 1,20,20,140 और वहाँ पे कितना 2 lakhs, सो क्रेडिट साइड इज मोर, सो टेक द टोटल ऑफ दैट पार्ट फर्स्ट 2 lakhs। टू लैक्स में से 1,40,000 गया, देन द अमाउंट इज हाउ मच अमाउंट रिमेन 60,000। तो 60,000 जो रह गया वो क्या आएगा, ये इंडिकेट करता है आपका इनकम, क्रेडिट इंडिकेट करता है आपका इनकम, ट्रेडिंग इनकम, और ये होते हैं आपके ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सिंपल। इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, देन बाय व्हाट अमाउंट दैट अमाउंट इंडिकेट्स योर प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हमें आगे के अकाउंट में पुश करना है तो इसे हम बोलेंगे कैरी डाउन, कैरी डाउन, नीचे कैरी करना है उसको। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में क्यों जाएगा, एक तो इसे समझ लो इधर आया तो वो इधर जाएगा, इतना ध्यान रखो। और लॉजिक क्या है, क्योंकि पी एंड एल भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड क्या इंडिकेट करती है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पे आपको गेन हुआ है, प्रॉफिट का मतलब होता है गेन, तो गेन हुआ है करके ये कहाँ पे आएगा, पी एंड एल के क्रेडिट में आएगा, अपोजिट साइड में आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ पे कैरी डाउन किया उसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया, नीचे लेके आए हम लोग, तो ये आया 60,000। ठीक है भाई, अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है 60,000। अभी हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे माइनस करने के बाद हमें एक्चुअली नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो देखो 60,000 और एक हमने इंटरेस्ट कमाया था, तो हमारा इनकम इनडायरेक्ट इनकम हो गया अभी 62,000 टोटल ली मैंने उसकी, 62,000 की टोटल लेके मैं यहाँ पे लिखूंगी 62,000, उसमें से ये डेबिट्स के अमाउंट में माइनस करूंगी, माइनस करो इसको 10,000 एंड 6,000 एंड 5,000, देखो कितना आता है आपका प्रॉफिट। ये आया प्रॉफिट, अकेले का है दोनों का है, कौन दो पार्टनर, देखो यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ये जो भी कमा रहे हैं बंदे दोनों बांट के लेंगे, कौन से रेशियो में 1:1 में बांट के लेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल, देखो कैपिटल में प्रॉफिट होता है तो वो ऐड हो जाता है, ध्यान में रखो, लॉस है तो कैपिटल में से माइनस होता है, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होता है। सो टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी में डिवाइड करूंगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल हियर, सो 41,000 को अगर आप डिवाइड करोगे देन दैट विल बी 20,500। ओके, तो ये यहाँ पे हमने डिवाइड किया, अभी पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करेंगे जो क्रेडिट साइड में ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट या फिर बाय पी एंड एल भी चल सकता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखो नेट प्रॉफिट, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट नेट प्रॉफिट, वो क्या है क्लियर हो जाएगा 20,500। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड, तो इसको क्लोज करो, अभी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो, तो देखो 52,500 दोनों का कैपिटल विथ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना दिख रहा है,
कैपिटल था दोनों का 32, 32, प्रॉफिट ऐड हो गया पूरे साल का 20,500, 20,500. नाउ देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑन 31st मार्च. हम लोग बना रहे हैं 31st मार्च 2011 बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2011. तो 2011 के एंड में उनका जो टोटल बैलेंस कैपिटल का कैरी डाउन करना है, कितना कैरी डाउन करना है, 52,500 दे आर हैविंग कैपिटल विथ प्रॉफिट. तो अभी ये जो कैपिटल के बैलेंसेस आए ये कहाँ पे आएंगे, कैपिटल आर लाइबिलिटीज फॉर द बिजनेस. तो ये हमें लिखना है पार्टनर्स कैपिटल. देखो गलती से भी इसको इधर मत डाल, वो आदत हो जाती है, इधर गया तो इधर आएगा, उधर गया तो इधर आएगा, इधर का उधर लिखना, ऐसे नहीं करना. पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आया है, क्रेडिट माइनस होकर ये बैलेंस आया है, तो पार्टनर्स कैपिटल आएगा आपका लाइबिलिटी में, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट आया है. तो ये ए एंड बी 52,500, 52,500, सो इन टोटल 1,05,000. नाउ मेक द टोटल. अभी लो भगवान का नाम और देखो टैली होता है कि नहीं. आपने अगर सब कुछ करेक्ट किया है तो आपका फाइनल अकाउंट टैली होगा ही होगा. 1,05,000 एंड इज 30,000, इट इज 1,35,000. And see here, 50-50, 1,30,000 and 5. Yes, it's tally, 1,35,000. Yes, your final account tally is at 1,35,000. तो आज के लेक्चर में हमने आपको ये कोशिश की कि भले आपका 11 का फाइनल अकाउंट इतना डीपली नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल दैट थिंग्स, लेकिन ये टॉपिक से आपका 12 स्टार्ट होने वाला है. तो एटलीस्ट बेसिक आपको क्लियर में समझ में आए, इसलिए हम लोग ने ये बोर्ड पे प्रेजेंट किया. प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास जो भी टॉपिक्स आपको 12th में रहेंगे उसका एटलीस्ट बेसिक लेक्चर एक आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे हम लोग. वैसे भी हम लोग हमेशा यही दुआ करते हैं कि ये लॉकडाउन और ये सारा कोरोना वोरोना जल्दी ख़त्म हो जाए और हम भी हम लोग आपसे अपने क्लास में मिले. थैंक यू.